ओके सो वेलकम बैक अगेन इज डे ट्वेंटी सिक्स एंड टूडे विल भी सॉल्विंग दिस स्प्लिट अरे विथ सेम एवरेज सो अगेन ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है बट जो हमने लास्ट डे किया था दैट इज़ डे ट्वेंटी फाइव वी यूज़ दिस कॉन्सेप्ट मीट इन द मिडल सो अगेन आई वुड सजेस्ट कि दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम जो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है सो so एक बार पढ़ लेना सिंपल प्रॉब्लम है बट मुझे एक और प्रॉब्लम करना था इसी कॉन्सेप्ट सो यार सो प्रॉब्लम क्या बोलता है यू आर गिवन नम्स अरे एंड ये नम्स का जो साइज़ है दैट इज़ थर्टी सो दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉट ज़्यादा बट इसमें बिट मास्क नहीं लग सकता विद दिस थर्टी एंड टू अरेज ए एंड बी सच दैट तो तुम्हें उस नम ज़रे को टू अरेज़ में बांटना है ए एंड बी सच दैट द एवरेज ऑफ़ ए इज़ एवरेज ऑफ बी सेम होना चाहिए एंड यू जस्ट हैव टू रिटर्न ट्रू इफ इट्स पॉसिबल टू वैसा स्प्लिट करना इफ इट्स पॉसिबल अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है एंड एवरेज फॉर्मूला सिंपल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर आर ओवर दी लेंथ ठीक है दैट इज़ मतलब एवरेज बेसिकली सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई दी लेंथ ऑफ ए आर ठीक है अभी इसमें एक मतलब मोस्टली दिस इज़ मीट इन द मिडल ओली बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बीच में जहाँ पे मैथ्स आएगा थोड़ा सा तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है सो uh, सपोज़ so uh, जो टोटल साइज़ है ना दो टोटल साइज ऑफ द अरे सपोज ले लो वो है ट्वेंटी सिक्स ठीक है अभी तुम्हें उसे दो अरेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है करेक्ट सो सपोज इसका जो सम आ रहा है ना दैट इज़ एस वन एंड इसका जो साइज़ है दैट इज़ एन ठीक है तो इसका सम है एस वन और साइज है एन एंड दिस इज़ इक्वल्स टू इसका सम है एस टू एंड इसका साइज़ है एम तो ये क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए तो साइज इज डिफरेंट सो एस टू बाय एम अभी जब तुमने ये डिटरमाइन कर लिया तो सपोज अभी हम ये एन इज़ दी ये टोटल है ठीक है दिस इज़ दी टोटल साइज़ टोटल साइज़ ऑफ द होल दैट इज़ ट्वेंटी सिक्स इज़ बेसिकली एन प्लस एम तो सपोज तुमने कुछ इटरेशन चला रहे हो एंड तुमने अपना एंड फिक्स कर दिया एज फोर्टीन ठीक है तुमने एंड फिक्स कर दिया फ़ोटीन तो अभी जब तो दिस इज़ आर एजम्पन कि गिवन एन इज़ फ़ोर्टीन ठीक है गिवन एन इज़ फोर्टीन सो ये क्या बन जाएगा एस वन बाय फोर्टीन लाइक इज़ इक्वल्स टू और एस टू का भी क्या आएगा इफ़ दिस इज़ फोरटीन तो ये लाइक इस, like, इसको ट्वेल्व भी होना पड़ेगा बिकॉज द टोटल साइज इज़ ट्वेंटी सिक्स जब ये डिटरमाइन हो गया तुम्हारा अभी ठीक है अभी तुम्हारे पास एक और इन्फो भी है तुम्हारे पास ये टोटल अरे का सम भी तो होगा एस टोटल अरे का सम भी होगा राइट सो so, टोटल अरे का सम ले लो तुम्हें पता है विच इज़ uh, क्या बोलते हैं विच इज़ मतलब एस इज बेसिकली एस वन प्लस एस टू ठीक है ये तुम्हें लाइक यू यू हैव दिस एस लाइक like, ये एस तुम्हें नोन है तो अभी तो अगर हम नॉर्मल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला लॉजिक लगाएंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन है दैट इज़ एस वन ये इक्वेशन वन है दिस इज इक्वेशन वन एंड द सेकेंड इक्वेशन इज़ एस वन प्लस एस टू इज इक्वल टू एस तो इफ़ यू सी हमारे पास बस दो ही वेरिएबल है एस वन एस टू दोनों केस में एंड एस हमें ऑलरेडी पता है दिस इज़ द सम ऑफ द होल अरे एंड ये सो so, तुम अगर इसको अभी तुम इसमें आगे का मैथ लगा देना सो बेसिकली वॉट यू हैव टू डू इज़ तो हम ये एन और एम को भी अपने नॉर्मल स्टेट में ले आते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों अभी कॉन्सटेंट्स नहीं है ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये कॉन्सटेंट्स नहीं है तो कैसा दिखेगा एन इंटू एस टू डिवाइडेड बाई एम नाउ इफ़ यू गेट दैट एस वन को यहाँ पे इस इक्वेशन में इफ़ यू पुट दैट एस वन वॉट यूल गेट इज एन इंटू एस टू बाय एम प्लस एस टू इज इक्व टू एस अगेन तुम इसको और आगे लिखोगे तो एन इंटू एस टू यहाँ पे एम से तुम तो मल्टीप्लाई कर दोगे इसको एम एम तो एम उस साइड चले जाएगा तो एम इंटू एस यहाँ एस वन है सॉरी एस वन एस वन प्लस एम इंटू एस टू इज इक्व टू एम इंटू एस दिस इज़ योर इक्वेशन ठीक है एंड ये राइट right साइड वाला पार्ट पूरा कॉन्स्टेंट हो गया तो अभी इसको मैं और आगे लिखूँ तो एन इं टू एस वन प्लस एम इन एस टू इसको मैं अलग एक पूरा कॉन्सटेंट रीट कर सकता हूँ एम इन एस क्योंकि मुझे एम भी पता है टोटल एस भी पता है तो के नाउ अभी बस तुम्हें ये एन और एम भी पता होगा करेक्ट ये एन और एम भी तुम्हें पता होगा सो so, एन और एम भी पता होगा एक मिनट नहीं नहीं एस टू ही है सॉरी क्या कर रहा हूँ एस टू ही है ये सो इन दी एंड तो हमें बस चेक करना है कि एस टू ऑफ एन प्लस एम के है ऑल यू हैव टू चेक इज आंसर अगर तुमने ले लो ये एंड स्टार्टिंग में हमने कंसिडर किया था राइट ये एस टू है हाँ ये मैंने पता नहीं क्यों इसको वापस एस वन कर दिया था ये पूरा एस टू था यहाँ पे ठीक है सो दिस इज एस टू दिस इज़ एस टू दिस इज़ एज टू ठीक है अभी क्योंकि तुमने एस वन को रिप्लेस किया राइट एक ये वाली इक्वेशन से तो एन इन टू एस टू प्लस एम आया तो अभी तुमने जो ये एन स्टार्टिंग में अज्यूम किया था ना एन इज़ इक्व टू फोर्टी तुमने बोला था कि मेरा जो एक सबर होगा वॉट इफ़ आई कंसिडर कि उसका साइज़ फोर्टीन है देन इज़ द आंसर पॉसिबल यू सिंपली हैव टू चेक इफ ये वाला इक्वेशन सॉल्वेबल है यानी विच वी लाइक विच यूल गेट बाय के मॉड एन प्लस एम शुड बी ज़ीरो दिस इज़ ऑल यू हैव टू चेक अभी तुम्हें पता है के क्या है इट इज़ एम इंटरेस्ट तो बेसिकली तुम्हें मैथ समझ गया राइट क्या लिखना है? तो इसको इन दी एंड तो मैं लास्ट में बस अगर तुम कोई एन कंसिडर करते हो राइट तो तुम्हें उसको चेक करने के लिए कि उस एंड एंड वॉट इज़ दिस एंड साइज ऑफ वन सबर है मतलब साइज ऑफ एक लाइक वन डिवीज़न तुमने लाइक तुम्हें दो डिविज़न करने राइट तो दिस इज साइज ऑफ़ वन डिवीज़न तुम बोलते हो कि मैं एक साइड का जो मेरा अरे होगा राइट जो मुझे दो अरे में स्प्लिट करना है व्हाट इफ़ मैं एक साइड का साइज फोर्टीन रखूँ देन इज दी आंसर पॉसिबल ये पूरा उसका प्रोसेस है चेक करने का कि इफ़ इट्स पॉसिबल और नॉट सो so ये फर्स्ट पार्ट था लाइक like, इतना मैथ्स इस क्वेश्चन में तुम्हें लगाना पड़ेगा नाउ मूविंग ऑन ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू दी मीट इन द मिडल वाला पार्ट वो यहाँ कैसे यूज़ करना है सो so, हम हिजीली ना इसमें बिट मास्किंग लगा सकते थे अगर इसका जो एंड है ना नम्ब डॉट लेंग वो थर्टी या फिफ्टीन के बिलो होता थर्टी पे तुम नहीं लगा सकते क्योंकि वो लिटरली टू रे टू थर्टी वन ई नाइन टच हो जाता है तो बिट मास्किंग से मेरा क्या मतलब है सपोज़ तुमने कोई मास्क सेलेक्ट किया जैसे ये अगर हम ये नंबर लेते हैं ठीक है तुमने अगर कोई मास्क सेलेक्ट किया जैसे वन टू यही तुम्हारा कुछ ऐसा अरे राइट फाइव सिक्स सेवन एट तो कोई बिट मास्क से मेरा क्या मतलब है कि जीरो ज़ीरो ज़ीरो से लेके पूरा ऐसे वन 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 वाले मास्क तक जाना एंड सपोज जैसे ये तुम्हारा मास्क है तो तुम इस मास्क को क्या बोलोगे कि जो, जो भी वन है ना वो एक सबरे का पार्ट है बाकी दूसरे सबरे का पार्ट है लेट मी चेक कि ये वाले कि इफ टू फोर फाइव आर इन वन सबर है क्योंकि उनका बिट सेट है एंड वन थ्री सिक्स सेवन एट आर इन डिफरेंट लाइक आर इन अ डिफरेंट सबर है दैन क्या दोनों का एवरेज सेम हो रहा है एंड आई विल रिटर्न माई ट्रू बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि तुम ये वाला मास्क स्ट्रक्चर नहीं चला सकते क्योंकि यू कैन नॉट गो फ्रॉम फ्राम टूरेज टू जीरो से लेकर टूरेज टू थर्टी इतना वन ई नाइन का एड्रेशन नहीं है लाइक यू कंट रन दैट क्योंकि टी एल ही आ जाएगा तो इस क्वेश्चन में क्या करना है अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा नहीं ठीक है इसी में भी कर सकते हैं नाउ लेट्स ट्राई विथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो हम ना इतने चीज़ को अलग ट्रीट करेंगे इसको अलग ये डिवीजन नहीं किया मैंने मैं बस ये लेफ्ट का एक अलग मास uh, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी इसका साइज़ लेस देन इक्वल टू फिफ्टीन होने वाला है इसका भी साइज़ लेस देन इक्वल टू फिफ्टीन होने वाला है क्योंकि मैक्स साइज ऑफ़ द टोटल सबर इज़ थर्टी तो मैं इन दोनों को अलग सॉल्व करूँगा फिर एक के हेल्प से दूसरा मतलब यू लाइक like, तुम समझ जाओगे ठीक है अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ है वन टू थ्री फोर क्या तुम अभी यहाँ पे मास लाइक क्या तुम यहाँ पे मास ये प्रॉब्लम सिमिलर है जो हम हमने कल सॉल्व किया था बट अगेन वील डू दैट तो क्या तुम यहाँ पे जीरो ज़ीरो से लेके कर वन 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 वाले मास तक चला सकते हो हाँ क्योंकि टू रेज टू फिफ्टीन का वैल्यू इज़ फीजिबल इट्स मतलब वन ई फाइव से भी शायद थोड़ा कम रहता है तो तुम ये वाला मास्क दोनों में चला सकते हो अभी ये मास्क चलाने का क्या मतलब है ठीक है वो देखते हैं तो मास्क चलाने का क्या मतलब है मैं एक डेटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसमें ना मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर स्टोर करूंगा तो अभी तुम्हें समझ आया कि मुझे ज़ीरो जीरो जीरो से लेकर वन 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 वाले लाइक मास्क तक जाना है तो सपोज बीच में ऐसा कोई मास्क आया ठीक है बीच में ऐसा कोई मास्क आया जीरो ज़ीरो ये वाला मास्क क्या बोल रहा है कि लेफ़्ट साइड से ये दो एलिमेंट सिलेक्ट हुए हैं तो मैं एक, एक बेसिकली अगर तुम तो मेरे कोड में देखोगे ना मैं कुछ ऐसा स्टोर कर रहा हूँ मैप ऑफ कॉमा सेट अभी वो कोड क्या कर रहा है लाइक like, वो मैप कैसा स्टोर कर रहा है कि अगर लेफ्ट साइड से दो एलिमेंट सिलेक्ट हुए हैं तो एक सम पॉसिबल है ऑफ़ फाइव सिमिलरली ये एक और मास्क भी आ सकता है ये वाला मास्क भी आ सकता है इसका क्या मतलब है कि ये दो एलिमेंट सेलेक्ट हुए बट अगेन दो ही एलिमेंट सेलेक्ट हुए हैं तो यहाँ भी ठीक है वो तो वापस फाइव आ गया सपोज ये वाला मास्क है जीरो जीरो वन वन ये वाले मास्क का क्या मतलब है दो एलिमेंट सेलेक्ट हुए हैं एंड उनका सम वो जो एलिमेंट सेलेक्ट हुए हैं उनका सम सेवन है तो यहाँ पर सेवन आ गया ऐसे ही तुम स्टोर करते जाओगे तो सपोज आगे जाके कोई मास्क आया जिसका वैल्यू है जीरो वन 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 मतलब तीन एलिमेंट सेलेक्ट हुए हैं तो एक थ्री का यहाँ पे एंट्री बनेगा एंड उनका सम क्या है फोर फाइव सेवन एट नाइन तो ऐसे करते करते तुम हर मास के लिए एस, इस स्ट्रक्चर को अपडेट करते जाओगे सिमिलरली फोर का भी एक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ ये वाला मास जब आएगा ये वाला मास जब आएगा सारे एलिमेंट कंसिडर हो गए सम क्या है टेन थ्री वाले में और एक आ सकता है वन 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 जीरो वन 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 जीरो मतलब ये तीन एलिमेंट सिलेक्ट हुए हैं जिनका सम सिक्स है तो वो वापस इसी वाले सेट में अपेंड हो जाएगा सिक्स सो दिस इज़ दी काउंट ऑफ एलिमेंट्स एंड दिस इज दिस्ट जो सेट ऑफ सम ठीक है सेम चीज़ अभी यहाँ ऊपर ऊपर से यहाँ पर बना देते तो सपोज यहाँ पर मैंने ये वाला मास्क ले लो ठीक है तो यहाँ पर भी सेम बहुत सारे एंट्रीज़ बनेंगे यहाँ पर भी एक टू का एंट्री बन गया काउंट टू क्योंकि यहाँ तुमने दो एलिमेंट लिए है मास्क और ये तुम्हें चलाना है सब के लिए ठीक है फ्रॉम जीरो 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 टिल वन 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 दो लाइक जीरो 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 टू वन 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 दोनों साइड के लिए सब के लिए चलाना बेसिकली टू रेज टू एन बाय टू माइनस वन एन बाय टू एम लाइक एन इज़ द टोटल इट लाइक टोटल साइज तो वहाँ तक तुम्हें सब के लिए मास्क चलाना है सपोज यहाँ पे टू में क्या आएगा सिक्स और सेवन थर्टीन आएगा देन एक और मास्क पॉसिबल है दैट इज जीरो जीरो वन वन दिस इज़ अ पॉसिबल मास्क तो फिफ्टीन ऐसे करके तुम दोनों का ऐसा डेटा स्टोर करोगे तो अभी तुम्हारे पास दोनों जो तुमने ऐसा डिवाइड एंड कॉन्कर तुम करने का ट्राई करे थे ना तुम लाइक दोनों साइड पर तुम्हारे पास ऐसा डेटा स्टोर हो चुका है नाव वॉट यूल डू इज़ तुम सपोज़ यहाँ पर बहुत ऐसे स्टोर के यहाँ मैं पूरा नहीं लिख रहा बट अच्छा का ऐसा पूरा लाइक मेटा डेटा बनेगा दोनों साइड का फिर तुम ना एक साइड एटरेट करोगे तो सपोज़ मैं लेफ़्ट साइड एट्रेट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर रुक गया और मैं सिमिलरली राइट साइड पर भी ऐसा सिमिलर ट्रेसन करूँगा ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा और एंट्री ले लेते तो मैं थोड़ा बटर समझ आएगा तो वन में क्या है इसे ज़ीरो जीरो लाइक जीरो वन जीरो ज़ीरो तो या सिक्स आ जाएगा फाइव भी आ जाएगा सेवन भी आ जाएगा एट भी आ जाएगा बेसिकली ये वाले मास्क ले लिए मैंने ये वाले मास्क ठीक है जीरो 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 वन ऐसे मास्क भी आएंगे सब राइट क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम जीरो जीरो ज़ीरो टू वन 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 तो अभी सपोज तुम दोनों में ना मतलब अगर तुम देखो मैंने क्या किया है अपर लाइक लोअर हाफ का डेटा अपर हाफ का डेटा फिर एक ऐसा लूप चल रहा है लोअर हाफ में भी जाऊँगा एंड एन स्क्वायर लगा के मैं अपर हाफ में भी जाऊँगा और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड नहीं करेगा ये क्यों नहीं करेगा क्योंकि मैक्सिमम काउंट का जो साइज़ है जो उसके एंट्रीज मैक्सिमम पंद्रह ही रहेंगे राइट रहें। क्योंकि हमने डिवाइड ही ऐसे किया है कि एक साइड पंद्रह एलिमेंट्स है तो दोनों साइड 15 इंटू फिफ्टीन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इफ़ यू रन ये दिस अगर तुम लोअर हाफ में ट्रेड करोगे एंड अपर हाफ में ट्रेड करोगे तो सपोज़ अभी हम लोअर हाफ में यहाँ पे है अपर हाफ़ में यहाँ पे है तो इसको लाइक मीट इन द मिडल लाइक लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने क्या किया था जब मेरा एक एंट्री यहाँ पे था लाइक लोअर हाफ वाला एंट्री यहाँ पे था अपर हाफ वाला एंट्री यहाँ पे था इसका मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक साइड के सब भरे का जो साइज़ है ना वो रखना है टू प्लस मतलब ये वाला साइज़ प्लस ये वाला साइज़ दैट इज़ फोर मुझे ये फोर रखना है ये मैंने फर्स्ट एजम्पन लिया अभी तुमने हमें लाइक like, हमने अभी रिसेंटली जो मैथ्स किया था उसमें हमने फ़र्स्ट एजम्पन क्या लिया था कि एक की सबरे का एक साइड का साइज आई एम गोइंग टू अज्यूम सो दिस इज़ वॉट वी हैव डन हम यहाँ पे ट्रेड किए ये क्या बेसिकली काउंट है राइट ये लेफ्ट सबरे के काउंट से कि तुमने लेफ्ट सबरे से कितने एलिमेंट्स लिए सिमिलरली राइट सबरे से कितने एलिमेंट्स लिए उन दोनों का काउंट है तो टू प्लस टू यहाँ पे मैंने फ़ोर डाला है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे फोर डाला तो ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो एक सब भरे होगा ना लेफ्ट साइड वाला या कोई भी बेसिकली जो एक सब भरे होगा उसका साइज़ होने वाला है फोर तो दिस इज द साइज ऑफ वन सब भरे नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जब मैंने वो साइज़ ऑफ वन अरे निकाल दिया राइट साइज ऑफ वन अरे निकाल दिया देखो लोअर हाफ का फर्स्ट अपर हाफ का फर्स्ट यही है लोअर हाफ का फर्स्ट अपर हाफ का फर्स्ट जब मैंने वो पार्ट कर दिया अभी साइज़ ऑफ सेकेंड अरे भी मेरे पास आ गया एन माइनस साइज ऑफ़ वन अरे और कोई भी साइज़ ऑफ वन अरे नाई द सेकंड अरे शुड बी नेगेटिव वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए नाउ आई विल चेक मेरे मैथ्स वाले लॉजिक से जो मैंने अभी तो मैं जस्ट लिनर इक्वेशन करके बताया था कि इज़ इट पॉसिबल अगर मैं साइज़ ऑफ वन अरे कंसिडर करूँ उस साइज़ ऑफ वन अरे के लिए पॉसिबल है क्या तो ये वही मैथ्स जो अभी अभी लाइक अभी अभी मैंने बताया था तुम्हें तो जो मॉड्यलो चेक करना है बेसिकली इफ दैट इज़ पॉसिबल ये रिटर्न ट्रू कर दे ये तुम देख लेना जो मैंने अभी मैथ्स बताया था ना उसको मैंने कोड फॉर्मेट में लिखा है नाओ वंस यू हैव चेक दैट अगर वो अगर पॉसिबल है देन यू विल मूव अहेड अभी अभी क्या होगा uh, यहाँ मैंने लिखा है सम माइनस दी साइज ऑफ सेकेंडरी एंड ठीक है अभी वो जो तुम्हें इक्वेशन याद है राइट हमने जो उसमें सॉल्व किया था अभी अभी उसमें हमें अगर तुम्हारा लेफ्ट साइड में ये फोर है और राइट right साइड का अभी जैसे यहाँ पे टू प्लस टू है तो राइट right साइड भी फोर मतलब अगर इस प्रॉब्लम के लिए अगर एक साइज एक सबरे का साइज़ फोर है तो दूसरे सबरे का साइज़ क्या होगा एट माइनस फोर फोर तो इफ़ यू सॉल्व इस इक्वेशन में ना तो तुम्हें अगर तुम वो मैथ्स का इक्वेशन वापस देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सम क्या होना चाहिए दोनों मत लाइक यू विल गेट द सम ऑफ बोथ दी तो मैं अगर वो इक्वेशन तुम वापस देखोगे एंड इफ यू सॉल्व दैट अगेन यू विल सी कि तुम्हें कौन से सबरेज वो कंसिडर करें लाइक उनका सम uh, क्या होना चाहिए बिकॉज फॉर अवन टू साइज अगर ये लाइक like, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है गिवन सबर एक के साइजेस अगर तुम्हें एक साइज़ दे दो मैंने थ्री दे दिया दूसरा साइज़ मैंने तुम्हें फाइव दे दिया तो और ये एस वन एस टू है एंड इफ यू सॉल्व दिस पूरा इक्वेशन एंड तुम्हारे पास एस वन प्लस एस टू इक्वल टू टोटल सम भी है तो लीनियर इक्वेशन क्या बोलता है इफ़ यू सॉल्व दीज टू इक्वेश यू विल गेट द वैल्यू ऑफ़ एस वन एंड एस टू राइट यू हैव टू इक्वेश यू हैव टू वेरिएबल्स इफ यू सॉल्व दीज टू इक्वेशन तुम्हें एस वन एस टू का वैल्यू मिल जाएगा सो so बेसिकली जब तुमने एक सबर लाइक एक सब, अरे का साइज जो दो डिवाइड हो रहे हो उसमें से एक अरे का साइज जब फोर कंसिडर किया राइट तो मैं दोनों साइड के क्या सम होने चाहिए थे वो मिल गए एक हाफ का क्या सम होना चाहिए सेकेंड हाफ़ का क्या सम होना चाहिए तो वही इफ़ यू डू मैथ्स इसको तुम सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूला से तुम्हें मिल जाएगा कि फर्स्ट हाफ का सम क्या होना चाहिए अगर वो फर्स्ट हाफ का वो सम आया तभी सेकेंड हाफ का सम तो ऑटोमेटिकली आ गया तभी दिस इक्वेशन इज गोइंग टू वर्क ये समझा आ रहा है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं कि मैं मैं क्या बोल रहा हूँ अगर तुम्हें एक जो अरे है जो तुम्हें दो अरेज़ में डिवाइड करना है उसमें से एक अरे का अगर तुम्हें साइज़ मिल गया दूसरे अरे का भी साइज़ मिल गया क्योंकि टोटल अरे का साइज़ तुम्हें पता है तो तुम्हारे पास ये वाला इक्वेशन भी है एस वन प्लस एस टू इक्व टू एस वंस यू हैव ऑल दिस तुम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तुम्हें दोनों अरेज का सम मिलने वाला है एंड दैट्स ऑल यू नीड क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर एस वन एस टू तुम्हें मिल गया नाउ यू नो कि मुझे फर्स्ट हाफ सम पता चल गया नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़ अभी हमने क्या सिलेक्ट किया था ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया था एंड ये वाला कलर चेंज कर देता हूँ बहुत मेसी हो गया ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया था ये टू फाइव सेवन वाला और ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया था तो अभी तो मुझे जब पता है कि uh, uh, मुझे ये वाला कि मुझे लेफ्ट हाफ में क्या सम चाहिए अभी तो पता चल गया कि मुझे लेफ्ट हाफ में यही सम चाहिए तभी एस टू का तो सम फिर खुद ही आ ही जाएगा तभी मेरा ये वाला इक्वेशन इक्वल्स टू होने वाला है क्योंकि तुमने एस वन और एस के वैल्यूज़ लिटरली सॉल्व किए बैठ के तो अभी जब तुम्हें पता है मेरे को एस का ये सम चाहिए तो तुम इस पर इटरेशन चलाओगे किसी में भी इटरेशन चला सकते हो मैं बेसिकली सब चीज़ लेफ्ट में कर रहा हूँ तो तुम इस पर इट्रेशन चलाओगे एंड सपोज तुम्हारा टारगेट ये जो एस वन है ना ये तुम्हारा टारगेट सम था ले लो फोटीन ठीक है तुमने इक्वेशन सॉल्व किया तुम्हें पता चला कि एस वन शुड बी फोर्टीन देन ओनली दिस इक्वेशन इज़ गोइंग टू वर्क तो एस वन है तो जब मैं इस फाइव पर आया मैं यहाँ पर ढूंढूँगा नाइन के लिए क्योंकि यहाँ पे फाइव है राइट यहाँ पे फाइव है मुझे अपना सम फोटीन ही चाहिए स्ट्रिक्टली फोटीन चाहिए लोअर बाउंड वगैरह कुछ नहीं तो मुझे इस एरिया में नाइन ढूंढना पड़ेगा सिमिलरली जब मैं यहाँ सेवन पर आया मुझे इस वाले सब में वापस सेवन ढूंढ और लाइक सेवन ढूंढना पड़ेगा और मुझे इसी सब भर में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये साइज़ फ़िक्स करके रखा है कि मुझे राइट right साइड वाला जो मेटा डेटा है ना वहाँ से भी दो एलिमेंट ही चाहिए तो जब तुम फाइव पे हो तुम यहाँ पे नाइन के लिए सर्च करोगे जब तुम्हें सेवन पे हो तुम यहाँ पे सेवन के लिए सर्च करोगे तब जाके तुम्हारा सम फोर्टीन आएगा एंड तुम बोल सकते हो कि हाँ जब मैंने फोर्थ सेलेक्ट किया था और इक्वेशन सॉल्व किया था एस मेरा फोर्टीन आया था एंड मुझे फोटीन अपने इन दोनों सब पार्ट्स में मिल भी गया देन माई आंसर इज गोइंग टू वर्क सो इफ यू सी मैं लोअर हाफ के सेकेंड में ट्रेड कर रहा हूँ लोअर हाफ के सेकंड में ट्रेड कर रहा हूँ एंड मैं अपर हाफ के सेकंड में क्या सर्च कर रहा हूँ फर्स्ट हाफ माइनस द सबसेट सम वॉट इज़ द सबसेट सम जो अभी अभी हमने कंसिडर किया था ये सबसेट्स हाँ ये सबसेट्स हम बेसिकली तुम यहाँ पे एक सबसेट सम उठा रहे हो एंड तुम्हें पता है कि तुम्हारे फ़र्स्ट हाफ का क्या सम होना चाहिए दैट इज़ फोर्टीन यू आर डूइंग 14 माइनस फाइव इन दिस केस नाइन एंड तुम सर्च कर रहे हो अपर हाफ़ में वो एग्जिस्ट करता है या नहीं अगर वो, अगर वो एग्जिस्ट करता है सिंपली रिटर्न अ ट्रू एंड अदरवाइज कुछ नहीं लाइक यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क फॉर अगर तुम्हें लेफ्ट साइड से कुछ भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर एक जीरो का भी एंट्री रहने वाला है क्योंकि जीरो 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 भी तो एक मास्क है राइट तो सब कुछ राइट right साइड से ही आएगा तो, तो फिर ये जीरो ज़ीरो जीरो वाला जो केस है उसमें भी मतलब तुम तो यहाँ पे ज़ीरो रहोगे तो तुम्हें तो पता है कि यहाँ पे तो इस एंट्री में कुछ रहने भी नहीं वाला है इस एंट्री में सम ज़ीरो ही रहने वाला है तो अगेन यू विल सॉल्व पूरा इक्वेशन यूजिंग दैट ओनली एंड देन इवेंचुअली मतलब वो खुद ही ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगा फिर तुम्हें पता है तुम्हें राइट साइड से क्या चाहिए कितने का सम चाहिए ऑटोमेटिक क्योंकि फिर तुम राइट साइड में फोर लेने का ट्राई करोगे दैट यू कैन हैंडल वो खुद ही हैंडल हो जाएगा वो एक्सप्लिसिटली अलग से हैंडल करने का नीड नहीं है अदरवाइज रिटर्न ऑफ्स वो नहीं सॉल्व हो रहा है तो कुछ अगर यहाँ बीच में कभी गया ही नहीं तो यू हैव टू रिटर्न ऑफ्स सो so, वही ये लाइक एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कोड बता दिया ये पार्ट सिंपल है ये पार्ट मैं वापस नहीं बता रहा क्योंकि ये ये जो मेटा डेटा क्रिएशन है ना ये सी का पार्ट है कुछ नहीं है इसमें बेसिकली जब तुम्हें एक बार नम्स का साइज़ पता चल गया तुम्हें पता है नम्स डॉट साइज़ बाय टू में ट्रेड करना है तुम्हें लोअर हाई रेंज पता चल गया तुम बेसिकली बस काउंट कर रहे हो कौन कौन से मास्क में बिट सेट है काउंट प्लस प्लस और उसे एज अ रेस में ऐड कर रहे हो तो ये समझ लेना ये सिंपल पार्ट है बट ये कोर पार्ट है सो हाँ दैट्स इट एक बार लेकिन ये मीट इन द मिडल वाला पार्ट पढ़ लेना तो मैं ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है लाइक दिस इज़ द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम तुम्हें समझेगा कि वाई मीट इन द मिडल वर्कस एंड वाई एन इज लाइक लेस देन इक्वल टू फोर्टी में तुम तो बिट मास्किंग ईजीली नहीं लगा सकते तुम्हें तो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके लगाना पड़ेगा सो हाँ दैट्स इट कुछ डाउट हो तो पूछ लेना बाय बाय